स्टूडेंट्स, साइंस टुडे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। इस चैनल के ऊपर मैं आपको आरबीएसई के रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा, और रसायन विज्ञान का मैंने पहला चैप्टर इसके ऊपर प्रारंभ किया है। उसमें पार्ट वन और टू के अंदर मैंने आपको ठोसों का वर्गीकरण और NaCl की क्रिस्टलीय संरचना बताई थी। पार्ट थ्री के अंदर आपको सहसंयोजक और धात्विक ठोसों के बारे में बताया था। इसके साथ में आपको हीरे की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना भी बनाकर समझाई थी। आज मैं आपको पार्ट चार के अंदर क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताने जा रहा हूँ कि इनमें किस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। इनमें समदेशिकता और विषमदेशिकता का गुण भी पाया जाता है, वो क्या होता है उसे भी हम अच्छे से समझ लेंगे आज। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए। ठोस अवस्था पार्ट चार। आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें अंतर, समदेशिकता, विषमदेशिकता क्या होती है और विषमदेशिकता क्या होती है समझिए साथ के साथ। आप यहाँ पर हम एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए गुण, गुण के पास में आप लिख दीजिए क्रिस्टलीय ठोस, इसके पास में आप लिखिए क्रिस्टलीय ठोस। अब हम ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें जो अवयवी कण होते हैं उनमें एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि NaCl है, नमक है, उसको आप दुनिया के किसी भी कोने से लिया हो, चाहे चाइना से लिया हो, चाहे अमेरिका से लिया हो, चाहे किसी गाँव से लिया हो, चाहे सस्ता लिया हो, चाहे महंगा लिया हो, उसमें जो हमेशा अवयवी कण होंगे उसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होगी वो एक निश्चित होगी, वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाएगी उसके अंदर। मतलब जैसे कि NaCl है, उसमें हमेशा एक Na जो धनायन होता है वो हमेशा 6 Cl ऋणायनों से घिरा रहता है, और हमेशा 1 Cl ऋणायन 6 Na धनायनों से घिरा रहता है। अब आप कहीं से भी लियाओ नमक दुनिया का, कोई सा भी क्रिस्टल उठा के लियाओ, उसमें यही व्यवस्था रहेगी कि 1 Na 6 Cl से घिरा हुआ रहेगा और 1 Cl 6 Na से घिरा हुआ रहेगा। लेकिन अब इधर देखें, हम कोई कोयला लिया है, कोई कोयले का टुकड़ा लिया है, तो ये तो क्या है, जरूरी थोड़ी कि एक कार्बन परमाणु 6 से घिरा हुआ है, ये तो बस क्या है, परमाणुओं का ढेर है। क्या है? परमाणुओं का समूह है, चिपके हुए हैं परमाणु, बस। यह क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। एक स्टेट ठोस क्या होते हैं? इनमें
अवयवी कण कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा एक नंबर। दो नंबर आप देखिए ध्यानपूर्वक, इनमें अवयवी कणों की निश्चित अवस्था होती है। जबकि इसमें क्या है, इनमें अवयवी कणों की अनिश्चित व्यवस्था होती है। तीसरा नंबर डालिए। ये तो समझ में आ ही गया आपको बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला कि किस स्टरी ठोस में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में है, इसमें निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में नहीं है। अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, अवयवी कणों की अनिश्चित व्यवस्था होती है, या अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर। अब इसमें आप देखिए ध्यानपूर्वक, तीसरा, इनके निश्चित गलनांक के कारण इनके शीतलन वक्र वक्र असतत होते हैं, असतत होते हैं। समझ लीजिए शीतलन वक्र किसे कहते हैं। ये एक वक्र बना दिया मैंने, यहां पर आप लिख दीजिए तापमान, यहां समय आ जाएगा, समय है ना, मिनट, जैसे कि 30 मिनट, 40 मिनट, 60, 80, 100। यहाँ पर आप तापमान बढ़ाइए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, फिर 80, 100। यह है ताप टी डिग्री सेल्सियस में। क्या है बच्चों, ये ताप है टी डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब इस ग्राफ को देखिए, बिल्कुल सरल है ये। मैं क्या कर रहा हूँ, 80 से 60 के पास में बिल्कुल सीधी रेखा नीचे लाया, फिर मैंने इसको क्या करा, 60 पर थोड़ा सीधा कर दिया। समझ में आ रहा है, फिर 40 के ऊपर वापस नीचे लाया, फिर 40 पर वापस सीधा कर दिया, ठीक है, फिर वापस नीचे ले आया। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ठीक है,
यहाँ पर समय बढ़ रहा है और यहाँ पर माना कि ए बिंदु पर कोई गैस है, गैस है। अब समय बढ़ रहा है, ताप धीरे धीरे कम हो रहा है, 100 से 80 हुआ, 100 से कितना हुआ ताप, 80 हुआ, 80 से 60 हुआ, और 60 पे आते आते इस गैस का क्या होने लग गया, संघनन होने लग गया, संघनन होने लग गया। संघनन के कारण क्या होगा, गैस के अणु चिपकने लग जाएंगे और ये जो अवस्था है ये नीचे गिरती हुई अवस्था है, द्रव या लिक्विड। गैस का क्या हुआ, गैस तापमान कम हुआ, समय बढ़ रहा है, तापमान कम हो रहा है, तो ये आप देखिए ए से बी पर आते आते, ए से बी के ऊपर आते आते ये गैस है, इसका संघनन हुआ। अब देखो संघनन के दौरान बिल्कुल सीधा है, ये 60 पर ही चल रहा है, फिर एक बिंदु ऐसा आया कि ये लिक्विड में परिवर्तित हो गया, समझ में आ रही बात आपको। फिर तापमान देखो और कम हो रहा है, 40 हुआ, अब 40 पर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट है ये वाला जो था ना, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला, ये तो संघनन बिंदु है, संघनन बिंदु है, या कंडेंसेशन पॉइंट, ये वाला बिंदु क्या है, कंडेंसेशन पॉइंट है, जबकि जो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से क्या प्राप्त हो जाएगा, सॉलिड। समझ में आई आपको बात, तो शीतलन वक्र, तो इनके निश्चित गलनांक के कारण इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। देखो ऐसे नीचे आया फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया, क्योंकि इनका गलनांक क्या है, निश्चित होता है। जबकि इसमें जो गलनांक होता है निश्चित नहीं होता है, गलनांक क्या होता है इसका, निश्चित नहीं होता है, गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण जो इनके शीतलन वक्र होते हैं वो सतत होते हैं। क्या होते हैं, सतत होते हैं, समझ लीजिए इसको, वही वाली बात है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80, 100, समय वही मिनट में, ये 20, ये मतलब 20 है, ये समय है, ये समय 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट, है ना, समय है, ध्यान रखना। यह है ताप 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80, 100, अब क्या हो रहा है, गलनांक निश्चित नहीं है, इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, जिसके कारण इनके जो शीतलन वक्र होते हैं सतत होते हैं। अब कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, कुछ कुछ निश्चित हो तो मैं ऐसा 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 करके कुछ बनाऊं, लेकिन अनिश्चित होने के कारण, मतलब इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित नहीं होने के कारण इसका थोड़ा जो ग्राफ है ना वो ऐसा बना दिया। आ रही है बात आपको समझ में, कि इनके गलनांक अनिश्चित होने के कारण माइक प्रॉब्लम,
कि इनके गलनांक क्या होता है, निश्चित होने के कारण। हाँ इनके गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण इनके जो शीतलन वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, सतत होते हैं, इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु है कि चार गलनांक निश्चित जबकि इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं बच्चों, और वास्तविक ठोस होने के कारण इनमें द्रवों के समान बहने का गुण नहीं पाया जाता है, इनमें द्रवों के समान बहने का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। समझो ये NaCl का एक टुकड़ा है, क्रिस्टल है। अब अगर इसे आप 10 साल भी रख दोगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये धीरे 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 नीचे की तरफ लटकने लग गया है ना, और नीचे से तो चौड़ा हो गया, जैसे शहद नहीं होता, शहद टपक के नीचे आ रहा, वैसे वैसे ये नहीं है NaCl कुछ समय पर शायद नीचे से चौड़ा हो गया ऐसे, मतलब ऊपर का NaCl बहते हुए नीचे आके ठोस क्रिस्टलीय NaCl ऊपर का भाग बहता हुआ नीचे आ गया, और नीचे से तो NaCl चौड़ा हो गया और ऊपर से क्या हो गया, सकरा हो गया। तो इन्हें क्या होते हैं, इनमें द्रवों के समान बहने का गुण नहीं पाया जाता है, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, पाया जाता है, परंतु जो इनके बहने का जो प्रवाह है वो बहुत कम होता है, परंतु प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें अति शीतित द्रव या आभासी ठोस भी कहते हैं, जैसे कि शीशा, कांच खिड़कियों में लगे रहते हैं। क्या होता है, कुछ समय पश्चात कांच क्या होता है, कुछ सालों पश्चात ऊपर से तो थोड़ा पतला हो जाता है, वो नीचे नीचे की तरफ से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि कांच के कुछ कण धीरे धीरे कहाँ आने लग जाते हैं, पैंदे में आने लग जाते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या, हाँ ऐसा होता है। अब इसमें देखिए आप छठा बिंदु, मतलब इनमें बहने का गुण नहीं है तो ये वास्तविक ठोस है, जबकि इनमें बहने का गुण है लेकिन प्रवाह पानी की तुलना में, पेट्रोल की तुलना में, मतलब द्रवों की तुलना में कम होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव बोलते हैं,
जमे हुए द्रव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इन्हें? जमे हुए द्रव बोल रहे हैं, जैसे कांच हो गया हमारा, खिड़कियों में लगने वाला। इसमें विषम, ये हो गया आपको समझ में आया। छठा बिंदु आप देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें विषम देशिकता पाई जाती है, जबकि एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या पाई जाती है? सम देशिकता। पाई जाती है विषम देशिकता का मतलब क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, इनके भौतिक जो गुणधर्म है, गुणधर्म है जैसे चालकता, अपवर्तनांक, चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता, तनन सामर्थ्य आदि के मान विभिन्न दिशाओं में होते हैं। इस चीज को समझ लीजिए आप, क्रिस्टलीय ठोस है, कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, तो ये एक प्रकार के कण है, एक के नीचे ये दूसरे प्रकार के कण है। ये वापस पहले प्रकार के कण है, ये वही दूसरे प्रकार के। माना कि कोई रेखा है ए और बी, इसमें आप देखिए ये तो होगी ए बी रेखा। इसके बाद में आप देखिए एक रेखा में बनाने जा रहा हूँ सी डी, यहाँ से ले लीजिए सी डी। अब ध्यानपूर्वक आप देखिए, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है इनमें विषम देशिकता गुण पाया जाता है। इस विषम देशिकता का मतलब क्या होता है कि इनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे अपवर्तनांक हो गया, चालकता हो गई, कठोरता हो गई, तनन सामर्थ्य आदि के मान विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, माना कि हमने एक क्रिस्टलीय ठोस लिया और इस क्रिस्टलीय ठोस में से हमने एक प्रकाश पुंज को गुजारा जिसका नाम है ए बी, एक प्रकाश की किरण को गुजारा, तो हम देखते हैं कि दोनों ओर समान अवयवी कण है। इस प्रकाश पुंज ए बी के एक तरफ समान अवयवी कण है, समान परमाणु है, और दूसरी तरफ समान परमाणु है। यहाँ तक आ रही बात आपको कि ये ए बी प्रकाश पुंज के एक तरफ तो समान परमाणु की पंक्ति है और दूसरी तरफ भी देखो समान एक जैसे परमाणुओं की पंक्ति है, जबकि सी डी दिशा में, सी डी दिशा में आप देखेंगे कि सी डी
दिशा में दोनों ही प्रकार के अवयवी कण पाए जा रहे हैं। इसके ऊपर देखो दोनों प्रकार के पाए जा रहे हैं ना, एक दो एक दो एक दो, नीचे भी देखो एक दो एक दो एक दो, अवयवी कण एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं। तो एपी जो प्रकाश पुंज है उसको दोनों तरफ समान कण पंक्तियों में पाए जा रहे हैं, जबकि जो सीडी प्रकाश पुंज है या सीडी प्रकाश जो रेखा है या प्रकाश किरण है उसके दोनों ओर अवयवी कण एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं। अतः ए बी दिशा और सी डी दिशा में अवयवी कणों का प्रभाव भिन्न भिन्न पड़ने के कारण प्रकाश के अपवर्तनांक आदि के साथ साथ अन्य भौतिक गुण भी क्या होंगे, इनके असमान होंगे। जब रेखा के दोनों तरफ अवयवी कण ही भिन्न भिन्न आ रहे हैं तो सीधी सी बात है अवयवी कणों की भिन्नता के कारण इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो भी क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इनके भौतिक गुण भी क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अब हम समझ लेते हैं संदेशिकता को, मैं इसको मिटा देता हूँ। लास्ट टॉपिक है हमारा आज स्टडी ठोसों में विषम शिकता। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए विषम देशिकता का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो भौतिक गुणधर्म होते हैं जैसे कि अपवर्तनांक हो गया, चालकता हो गई, और अन्य गुणधर्म हो गए जैसे कि गलनांक हो गया, ये जो गुणधर्म है जैसे कि कौन कौन से गुण हो गए, जैसे कि अपवर्तनांक हो गया, चालकता हो गई, तनन सामर्थ्य हो गई, वो है क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर सभी दिशाओं में समान होते हैं। सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि इनमें द्रवों के समान बहने का, हाँ फ्रेंड्स कुछ डिस्टरबेंस हो गया था बीच में। हाँ इसमें आप देखिए विषम देशिकता के अंदर कि ये क्रिस्टलीय ठोसों का गुण होता है, और विषम देशिकता का मतलब क्या होता है कि इनमें जो भौतिक गुणधर्म है जैसे कि इनकी चालकता हो गई, इनका अपवर्तनांक हो गया, इनकी कठोरता हो गई, इनकी तनन सामर्थ्य हो गई, इनके जो मान होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में, इन ठोसों की विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। विभिन्न दिशाओं के अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। जो देखिए अगर आप इनमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था या फिर इस प्रकार से बना लेते हैं, सभी अवयवी कण समान है, कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इनके सभी भौतिक गुणधर्म, चाहे वो अपवर्तनांक ले लो चाहे वो तनन सामर्थ्य ले लो, वो सभी दिशाओं के अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कठोरता हो गई, अपवर्तनांक, चालकता, तनन सामर्थ्य आदि। इनमें ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अगले जो पार्ट 5 के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल जालक और एकल कोष्टिका के बारे में कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। एकल कोष्ठिका क्या होती है ये सब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा फ्रेंड्स,